हे गाइस, कुक अमेजिंग में आप सभी का स्वागत है। आप ये ग्रीन ग्रीन पराठा देख रहे हैं, ये बहुत ही डिलीशियस सा पीस का पराठा है। मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा पीस आ रही हैं और इस टाइम फ्रोज़न पीस नहीं बल्कि फ्रेश पीस से आप पराठा बनाएंगे तो बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप एक बार इस पराठे को ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। बिना देर किए हुए चलिए पराठा बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फिलिंग। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच जितना ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होता है हम इसमें डालते हैं 1/2 छोटा चम्मच जितना सौंफ और 1 छोटा चम्मच जितना डालेंगे जीरा। इसको अच्छे से भूनने देंगे। जब अच्छे से भून जाएगा तो इसमें जाएगा एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और छोटा जिंजर का टुकड़ा जिसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप किया है। आप चाहो तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं। और इनको हल्का सा सौते करेंगे। ये हल्का सा सौते चलाते हुए करना है आपको, मीडियम फ्लेम पर जलाना नहीं है बिल्कुल भी। हल्का सा सौते हुआ है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट जैसा हुआ है। हम इसके साथ चिली डाल देंगे। चिली के साथ इसको सौते करेंगे। अब 1 मिनट सौते करने के बाद इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो मैंने डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे चिली पाउडर। चिली पाउडर आपको जैसा डालना हो, आप जैसे चिली खाते हो उस हिसाब से डालिएगा। और इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे बॉयल्ड पीस। ये फ्रेश पीस हैं जिनको मैंने एक बिसल लगाकर बॉयल किया है। आप चाहो तो मैश करके भी डाल सकते हैं क्योंकि हमें अल्टीमेटली मैश करना है। मैंने ऐसे ही डाली है बॉयल्ड और मैं इसको चलाते हुए मैश करती जाऊंगी और कुक भी करती जाऊंगी। हमें इसको तब तक कुक करना है जब तक ये जो गीला गीला रहता है ना पेस्ट, ये हल्का सा सूखा हो जाए और स्टिकी ना रहे। तब तक हमको इसको भूनना है। ऐसा होने के बाद हमको एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लेना है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इस तरह से फैला देंगे और ठंडा कर लेंगे। जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम इसका डो तैयार कर लेते हैं पराठों का। तो हमने 1/2 कप जितना डाला है यहाँ पर व्हीट फ्लोर, उसमें 2 पिंच जितना डाला है नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि फिलिंग में भी नमक है। और इसमें डालेंगे हम अजवाइन। 1 छोटा चम्मच अजवाइन लिया है और हाथों से क्रश करके डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच ही ऑयल डालेंगे। इसको पानी से गूंथ लेंगे और सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा सा लचीला सॉफ्ट डो लगाना है क्योंकि पराठे में जो फिलिंग डालनी है वो भी बहुत सॉफ्ट है, इसलिए हमें सॉफ्ट डो ही लगाना है। आप इतना सॉफ्ट लगा सकते हैं जितना आप हैंडल कर सकें। हमने सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको 5 मिनट रेस्ट देंगे और 5 मिनट बाद ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी लोइयां बना के पराठा बनाएंगे। तो मैंने एक मीडियम साइज जितना डो लिया है और मैं इसकी लोई बना के चपटा कर रही हूँ और सूखे आटे पर लपेट के इसको बेलती जाऊँगी। बड़ा सा और पतला सा बेल लेना है। उसके बाद हमें फिलिंग लगानी है इसमें। अगर आप इसको स्क्वायर शेप में बनाएं तो फिलिंग को स्क्वायर शेप में आप डाल दें, और अगर आप इसको ट्रायंगल शेप में बनाएं तो आप फिलिंग को ट्रायंगल शेप में डाल दें। पतली सी फिलिंग लगानी है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं कि समझ में ना आए। एक अच्छा सा टेस्ट आए हर बाइट के साथ, इतना फिलिंग आपको लगाना है। तो आप अच्छे से फैला कर ट्रायंगल शेप में मैं लगा देती हूँ इसमें। और मुझे ट्रायंगल शेप का बनाना है पराठा, इसलिए मैं पहले तो स्पून से फैला रही हूँ, फिर मैं हैंड से भी कर देती हूँ। अच्छा सा शेप देने के बाद मैं इसको ढक दूँगी, कवर कर दूँगी इसके कोनों से। तो ट्रायंगल शेप का मैं इसको शेप दे रही हूँ और अच्छे से प्रेस भी करती जा रही हूँ ताकि ये लॉक हो जाए अच्छे से। किनारियाँ सारी लॉक कर देनी है और इसको सूखे आटे में फिर से लपेट कर हमें बेल लेना है। पतला बेलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हुए बेलना है क्योंकि ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो फिलिंग जो है वो बाहर आ जाएगी। हल्के हाथों से इसको पतला बेल लेना है और हाथों से दे देना है सेक। तो अच्छा सा हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। हम इसको सेक लेते हैं। तो हम एक पैन लेते हैं या तवा, जो भी आपके पास हो जिसमें आपको सेकना हो, उसमें ग्रीस कर दीजिए बटर से या घी से, अच्छे से लगा दीजिए।
घी बटर, और जैसे ही तवा अच्छे से गर्म हो जाए आप पराठा डालिए। पराठे को एक साइड अच्छे से सिकने दीजिए। जब ये सेट हो जाए तब इसको फ्लिप करके इसमें ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर दीजिए, ऑयल लगा दीजिए, और उसके बाद फ्लिप करके दूसरी साइड भी ऑयल लगाइए। अच्छे से प्रेस करते हुए आपको इसको सेक लेना है क्रिस्पी होने तक, अच्छी सी ब्राउन चित्तियाँ आ जाएं जब तक, तब तक हमें इसको सेकना है। इस तरह से प्रेस करते हुए सेकना है कि अच्छे से ये पक भी जाए। चारों तरफ से अच्छे से पकाना है और हमारा पराठा बिल्कुल क्रिस्पी सा अच्छे से सिक गया है चारों तरफ से। बहुत ही अच्छा पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इस पराठे से, आप देख सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी सा पराठा बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत ही अच्छा पराठा लग रहा है, टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि इसकी फिलिंग बहुत ही अच्छी थी। और मैंने इस पे रखा है थोड़ा सा बटर जिससे इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा इस पराठे को, क्योंकि फ्रेश पीज़ आ रही हैं इस सीज़न में। वैसे तो फ्रोज़न मिलती हैं, फ्रोज़न पीज़ में उतना मज़ा नहीं आता है जितना फ्रेश में आता है। आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। मैं इसके आपको फिलिंग दिखाती हूँ, चारों तरफ अच्छे से कोने तक में भी फिलिंग है, सब जगह अच्छे से फिलिंग है। बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट के साथ ये पराठा बनकर तैयार हुआ है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बनाइए इस पराठे को और इन्जॉय कीजिए।